विधायक आलोक चौरसिया का उम्र जांच कराने अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी। पलामू के बहुचर्चित विधायक आलोक चौरसिया वर्सेस पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी मामला फिर से चर्चे में आ गया है। पूर्व मंत्री त्रिपाठी के बयान के बाद फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इससे पहले अगले सप्ताह हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में केएन त्रिपाठी का याचिका खारिज कर विधायक आलोक चौरसिया के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद लोगों का मानना था कि यह विवाद अब यही रुक जाएगा। पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने सोमवार को मीडिया के सामने यह बयान दिया है कि वे हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। इस मामले को लेकर अब वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हम गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने माना था पिछले के समय के अंदर निर्णय नहीं हो चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भेजा था हाई कोर्ट को और 6 महीने में निर्णय करने का निर्देशित किया। लेकिन ये 4.25 साल के बाद ये निर्णय आया है और यह निर्णय जिस तरह से बताया गया है कि जन्मभूमि पकड़ी में किसी का देख करके और कोर्ट ने निर्णय दिया है, इससे मैं असंतुष्ट इसलिए हूँ कि पूरा पलामू जानता है कि जो जिस व्यक्ति के खिलाफ मैंने इलेक्शन पिटीशन दायर किया था वह ज्ञान निकेतन में पढ़ा है, गुड़िया डामर में कभी एक दिन भी नहीं गया, और गुड़िया डामर का फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके टेम्पर्ड सर्टिफिकेट दो दो बार सर्टिफिकेट लगा करके उसने उम्र बदलवाने का प्रयास किया, उम्र बदलवाया है। यह कोर्ट में प्रूव हो चुका है कि उम्र बदलवाने के लिए जो आवेदन दिया गया उसमें फर्जी शैलेंद्र चौरसिया के नाम से वोटर आइडेंटिटी कार्ड लगाया गया, और यह बात रिस्पोंडेंट ने खुद हाईकोर्ट में स्वीकार किया कि हमने वह मेरा वोटर आइडेंटिटी कार्ड है जो हमने लगाया था और वह फोर्ज, तो फोर्ज वोटर आइडेंटिटी कार्ड, फोर्ज रजिस्टर, फोर्ज ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसके आधार पर बदला हुआ उम्र कदापि सही नहीं हो सकता। हमारी यह लड़ाई विधायक बनने या विधायक प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।